तो दोस्तों आ गया हूँ मैं फिर से एक नई गाड़ी लेकर एक नई लोकेशन पर। लोकेशन बहुत ब्यूटीफुल है, बारिश होके हटी है इसलिए सब कुछ बहुत ग्रीन ग्रीन और फ्रेश फ्रेश है, इसीलिए हम एक फ्रेश गाड़ी लेके आए हैं एक फ्रेश सेटअप के साथ। मेरा नाम है लक्की, आप देख रहे हो लक्स ऑन द ट्रेल और वीडियो है ट्रिपल ए सौजन्य के तरफ से। और गाड़ी है इस वक्त हमारे पास मोस्ट अवेटेड हमारी XUV 700 सेवन सीटर। ये गाड़ी दो वेरिएंट में आती है, वेरिएंट तो बहुत सारे हैं पर दो सेगमेंट में आती है, एक आती है सेवन सीटर में और एक आती है फाइव सीटर में। सेवन सीटर की गाड़ी लेके आपके समक्ष में उपस्थित हूँ और जल्दी फाइव सीटर भी आ जाएगी। चलो फिर करते हैं इसका बूट ओपन, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं, किसी भी वक्त आ सकती है। तो ये हम करेंगे फटाफट झटपट वाला वीडियो। ये देखो जी, ये हमारा इसके अंदर ब्यूटीफुल सा एक सेटअप, वो पड़ा है हमारा किचन का सामान जो हम लगाएंगे किचन पे। तो इसको पहले मैं यहाँ से उठाता हूँ। ऐसे सीटें हमने एडवांस में ही गिरा दी हैं ताकि बाद में ना गिरानी पड़े। और ये है हमारी सारी ज्वेलरी जिसके ऊपर खड़ा होता है हमारा क्या बेड, इसको भी रख देते हैं हम अपने यहाँ किचन के पास। ग्रीन ही ग्रीन है सब, हर जगह ग्रीन ही ग्रीन है, बहुत ब्यूटीफुली पेंट है। देखो बिल्कुल ग्रे का कॉम्बिनेशन होता है हमारा, तो बिल्कुल बहुत ही फाइन पेंट किया जाता है। इसको करती है कौन, आठवीं जोशी शिखा, कैमरे के पीछे है, ठीक है जी। तो चलो फिर T4 ट्रिपल एडवेंचर, चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। लाइट बहुत तेज़ी से कम होती जा रही है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा की तरह गाड़ी के अंदर स्पेस की कोई कमी नहीं थी, हमारे पास स्पेस की कोई कमी नहीं थी, इसलिए हमने बहुत चौड़े में 4 फुट चौड़ा और 7 फुट लंबा प्रॉपर बेड बनाया, सॉरी 6 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा बेड बनाया हमने। इंची टेप आ गया है, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना अपना बेड लगा देते हैं, उससे हमारे पास बहुत अच्छा स्पेस मिल जाएगा, फिर हम करेंगे किचन का इंट्रोडक्शन। ओके, तो फटाफट हम लगाते हैं बेड। सबसे पहले हम बेड लगा रहे हैं, बेड के लिए हमारे पास है 4 रॉड जो कि इक्वल साइज़ की है, वो इसलिए एक जाएगी यहाँ पर, एक जाएगी वहाँ पर, इस बार एक एक्स्ट्रा रॉड जाएगी हमारी यहाँ पर, क्योंकि जितनी बड़ी गाड़ी है उतनी सेफ्टी। ये तीन बारिश है या हवा है कोई नहीं, यहाँ देख लीजिए, ये तीन हमारी रॉड लग गई हैं। हाँ। एक ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है T4, तुरंत ये जाएगा हमारा यहाँ पे और ये जाएगा यहाँ पर हमेशा की तरह, और ये जाएगा यहाँ पर। भैया इंजीनियर सारे बन गए अब। ये देखो अब कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना है, मैडम दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है। एक रॉड, दो रॉड, तीन रॉड, चौथी आ गई और ये लग गया हमारा T। ये देखो ये कुछ इस तरीके का अभी स्ट्रक्चर हमने लगा दिया है। ये हमारा बेड है, बेड पर हल्की टचअप करना बाद में करते हैं। ये लो जी,
ये बनाए बेड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत मजबूत, इसलिए क्योंकि हमने तीसरी रॉड भी डाल दी ना इसमें, इसलिए मजबूत हो गया यार। ये ना एक ऊपर पेड़ है जो कि बार बार हिल रहा है और पानी गिर रहा है और हमें लगता है बारिश आ रही है, इसे फटाफट करना पड़ेगा। शिकायत जल्दी आओ इधर। ये हो गया बेड रेडी और ये बेड है हमारा प्रॉपर वहाँ से लेके 6 फुट और 2 इंच, ठीक है, और चौड़ाई है इसकी प्रॉपर 48.5 इंच। तो यह कुछ हमारा बेड। अब फटाफट किचन ओपन कर लेते हैं। किचन आपको मैं दिखाऊं कि किचन है हमारा, ये देखो किचन स्टार्ट है हमारा यहाँ से। ये एक स्टेपनी उसकी टूल बॉक्स होता है, ये देखो ये टूल बॉक्स है ना, तो इसको हमने ऐसे छोड़ दिया है और इसके पीछे से हमने किचन स्टार्ट किया है, इसलिए हमारा किचन 10 इंच पीछे चला गया है। तो कैसे आएगा होगा ओपन, उसके लिए हम करेंगे इस स्लैब को ऊपर, बिकॉज ये लगा हुआ है लॉक। ये जो लॉक लगा हुआ है ना, ये हमें इस स्ट्रक्चर को आगे आने से रोकता है। ये स्ट्रक्चर ऐसे आगे आ जाएगा अगर जब गाड़ी चलेगी तो, देखो क्योंकि स्मूथ बहुत है ना, ये देखो, ये देखो ओए होए। तो जब हम इसको बंद कर देंगे तो ये उसको लॉक कर देगा। अब गाड़ी जितनी भी तेज भगाओ वो नहीं आने वाला भैया, नहीं आने वाला। तो चलो इसको किया हमने ओपन और ये देखो पहाड़ बन गए ना छोटे छोटे से। ये लो जी पकड़ो कैमरा फटाफट, ये आया इजी। डिज़ाइन देखो, सबसे पहले तो डिज़ाइन की बात करनी भूल गया मैं। देखो ज़रा जैसी ये गाड़ी रोबोटिक सी है ना, जो जैसे कि लोगो है वैसा हमने देखो डिज़ाइन बनाया है। सो ब्यूटीफुल। कोई हैंडल नहीं है, आप इसको यहाँ से पकड़ सकते हो, यहाँ से कहीं से भी पकड़ सकते हो, पूरा नीचे जगह है प्रॉपर, कहीं से भी पकड़ सकते हो। तो ये हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन। तो मैं करने जा रहा हूँ किचन ओपन, है ना मलाई 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 मलाई। ये एक और ये आ गया जी, और ये आ गया जी, टंटना चूल्हा आ जाएगा हमारा यहाँ पे। बेसिकली ये डबल बर्नल के लिए डिज़ाइन किया गया है, बेसिकली ये डबल बर्नल के लिए डिज़ाइन किया गया है। और इस बार आपको देखने में लग रहा होगा या दिख ही रहा होगा कि हमने पूरा स्टील का पैनल वगैरह क्यों नहीं लगाया। तो बात ऐसी है दोस्तों कि ये जो गाड़ी जिस भैया की है ना, उनकी बहुत बड़ी स्टील की फैक्ट्री है, CNC मशीन वगैरह, कटिंग वगैरह, आयरन, स्टील, कॉपर सब कुछ है उनके पास। तो उनको हम डिज़ाइन बना के दे देंगे, वो प्रॉपर स्टील का कटवा के ना अपनी उस मर्जी का वो यहाँ पे रखेंगे, इसलिए हमने नहीं लगाया। उन्होंने बोला था कि मैं लगा लूँगा। बहुत बढ़िया जी, इधर आओ जी। ये हमारा सिंक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा टैब, यहाँ टैब आ जाएगा, यहाँ टैब आ जाएगा। ये बहुत स्टडी सा सिंक है और ये दो कैबिन है यहाँ पर। ये कैबिन बहुत बड़े नहीं हैं लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दूं। देखो जैसे ये चीनी के कंटेनर है ना, ये आराम से यहाँ पे आ जाएगा और ऐसे कम से कम तो यहाँ पे 20 आ जाएंगे, ठीक है। और जब ये सिंक यहाँ बंद होता है ना ऐसे तो इसके नीचे भी काफ़ी जगह बचती है जहाँ पर आप अपने टिश्यू या डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह आराम से रख सकते हो। ये छोटे डिब्बे में आराम से आ जाएंगी, ठीक है, ये आ जाएगी यहाँ पर। अब मुद्दा यह है कि बड़े वाले डब्बे कहाँ जाएंगे भाई, कहाँ जाएंगे बड़े डब्बे, 1 लीटर का 1.5 लीटर का। वो आएगा हमारा, ये देखो ये देखो, ये बहुत ब्यूटीफुल जगह, जितना मर्जी रखो यहाँ पे। ये देखो ये कुछ हमारा भी सामान रखा हुआ है, इसका ढक्कन अपने उसका है। ये देखो यहाँ पर इतने कंटेनर आ जाएंगे ना कि पूछो ही नहीं। और अभी हमने एक फ्लैप उठाया था जब किचन ओपन हुआ, तो ये हमारा दूसरा फ्लैप है, ये देखो ये चला जाएगा पीछे वहाँ पे। जगह दिख रही है, लाइट जलाओ भी लाइट। ये देखो ये फ्लैप आ गया यहाँ पर, सो ब्यूटीफुल। और ये है इसके नीचे की जगह, ये देखो ये देखो। ये बेसिकली हमने 6 और 7 सीट हटाई थी, ये उसकी जगह है। तो इतनी जगह है ना, जब ये हमारा दरवाजा बंद हो जाएगा ना ऐसे, तो इसके नीचे भी बहुत जगह है, इतनी जगह इसके नीचे है। और पीछे पूरा हमारा पानी का कंटेनर आ जाएगा 12 लीटर वाला, और सिलेंडर आ जाएगा 2 लीटर वाला, और मेरे को लग रहा है 5 लीटर वाला भी आ जाएगा पीछे, 5 लीटर वाला सिलेंडर भी आ जाएगा, वो भी हम रख के देखेंगे किसी और टाइम। सेम हेयर, ये भी हमारा से ओपन होगा। और जगह देखो यार, जगह की तो हम यूटिलाइजेशन इतनी खतरनाक करते हैं ना कि गाड़ी वाला भी कहता है कि भाई इतनी जगह तो हमने नहीं बनाई थी,
तुमने कहाँ से निकाल दी? ये खासियत है ट्रिपल एडवेंचर की। यहाँ पर हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल था पुराना वाला लोगो हमने लगा रखा है, ट्रिपल एडवेंचर 8800180004। जैसे आप इस पर फ़ोन करते हैं आपको बहुत ही स्मार्ट सा बंदा आगे से रिप्लाई करता है और वो है मैं। ठीक है जी, आज मैंने बाल भी काले करा लिए हैं तो थोड़ा सुंदर लग रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो ये है हमारा ब्यूटीफुल सा ह्यूज किचन। इसके नीचे आएगी एक हमारी रॉड, वो भी बना रखी है हमने, ये भी हमने बना रखी है। ये देखो जी क्या जगह बनाता हूँ भाई मैं। देखा देखा, ये बन गया हमारा प्रॉपर किचन। ये देखो, तो ब्यूटीफुल यार, ह्यूज बेड विद ब्यूटीफुल किचन मेड बाय ट्रिपल ए एडवेंचर। तो ये था महिंद्रा की XUV 700 के अंदर हमारा ब्यूटीफुल सा किचन विद ह्यूज बेड। अब फटाफट इसको हम करते हैं पैक, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ी से आने ही वाली है, मैं गीला भी होने लग गया हूँ। तो पैक करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम करेंगे अपने सिंक को अपनी जगह ऊपर, ये वाली फिंगर थी, ये लो, ये हो जाएगा ऐसे बंद। तो सिंपल है, ये जाएगा हमारा ऐसे, और ये बंद करने से पहले हमें वो नीचे जो डंडा है ना वो हटाना ज़रूरी है, वरना ऐसे वो अपने आप गिर जाएगा। तो इससे पहले कि वो अपने आप बंद गिर जाए हम इसको उठा लेते हैं, इसको यहाँ रखते हैं अभी फिलहाल। अब आगे बारिश लग रहा है, ये जाएगा अंदर, ये जाएगा अंदर, फ्लैप आ जाएंगे हमारे विद लॉक बाहर। ये हो गया हमारा किचन पैक, ऐसे ही बेड करेंगे पैक, बहुत ही आसान है। और अगर नहीं भी करेंगे ना तो आप अपनी आराम से ड्राइव कर सकते हो, ड्राइविंग के बाद बेड शुरू है, इस गाड़ी का ये फ़ायदा है। ऐसे भी चलेगा और आप गाड़ी भी चलाते रहो। तो बारिश ही आ गई, अब तो बारिश आ गई, अब आ गई है बारिश और हम जा रहे हैं गाड़ी के अंदर। बाय बाय, बैठ गाड़ी में बैठ। और ये देखो हमारे बैठने के बाद, भी पूरा बेड लगा हुआ है हमारा। तो दोस्तों ये था XUV 700 के अंदर हमारा ह्यूज बेड विद ब्यूटीफुल किचन। आपको भी अगर अपनी गाड़ी में इसी तरीके का कोई सेटअप बनवाना है, डजेंट मैटर कौन सी गाड़ी है, नैनो से लेके जो भी सबसे बड़ी गाड़ी होती होगी बुगाटी टाइप की, आपको सिर्फ ट्रिपल ए से कॉन्टैक्ट करना है। मैं बताऊंगा आपको उसके अंदर क्या डिज़ाइन होगा, कैसा डिज़ाइन होगा और कैसे हम उसको बनाएंगे। एक एक MM का भी हम स्पेस उसमें से यूज़ करेंगे। पीछे बहुत ब्यूटीफुल सी बारिश हो रही है, होने देते हैं। और अभी हम करते हैं इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म। आपको क्या करना है, अगर आपको इसी टाइप का कंटेंट देखना है तो आप करेंगे लक्स ऑन द ट्रेल को सब्सक्राइब, लाइक करेंगे और अपने प्रियजनों के साथ उसको वीडियो को शेयर करेंगे। और कमेंट में आप अपनी अंदर की जो भावनाएं उमड़ उमड़ के बाहर को आ रही हैं उसको व्यक्त कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। तो चलो फिर किसी और लोकेशन पर, किसी और गाड़ी की जगह मैं बता ही देता हूँ कौन सी गाड़ी, ख़तरनाक गाड़ी, कौन सी, Scorpio N नई वाली, वो आने वाला है नेक्स्ट वीडियो, बहुत जल्दी आने वाला है और ख़तरनाक सेटअप बनाया है उसके अंदर, हिल जाओगे। तो चलो आप करो उस गाड़ी का वेट, उस वीडियो का वेट, और मेरे को दो इजाज़त। मैं लक्की फ्रॉम लक्स ऑन द ट्रेल, और ये वीडियो था हमारा ट्रिपल ए के सौजन्य से। मिलेगा आपको फिर कभी किसी नई लोकेशन पे, नई गाड़ी ब्रैकेट में Scorpio N के साथ। बाय बाय, टेक केयर।